नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज अ टॉपिक बोर्डाज माउथपीस, यानी कि काफी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर इस वीडियो को जरूर लेके आएगा, तो इसी के साथ मैं आया। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दिस इज बोर्डाज माउथपीस। देखिए माउथपीस, अब बोर्डाज माउथपीस पे तो हम पहुंच गए, मगर सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि माउथपीस क्या है, ऑरिफाइस क्या है, इसी से कनेक्टेड ये बोर्डाज माउथपीस है। अब हम देख रहे हैं कि बोर्डाज माउथपीस दो टाइप में आ जाते हैं, दिस इज रनिंग फ्री एंड दिस इज रनिंग फुल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा बोर्डाज माउथपीस है क्या। ठीक है, तो देखिए अगर एक टैंक है, सबसे पहले हम ऑरिफाइस की बात करेंगे। ठीक है, अब ऑरिफाइस क्या होती है, एक टाइप की ओपनिंग होती है टैंक में, वो टैंक के साइड में हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए यहां पे, ठीक है, सपोज फिलहाल मैं एक काम करूंगा कि आपको यहां पे करके बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले फिर मैं पेपर पे भी आपको करके बताऊंगा कि भाई ऑरिफाइस क्या है, क्योंकि मेरे काफी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप पूरे चैप्टर्स में जो भी अलग अलग वीडियोस हैं इसी चैप्टर से कनेक्टेड आपको मिल जाएंगे, तो आप देखिएगा प्लीज। ठीक है, तो मान लीजिए ये टैंक है, फिलहाल तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये टैंक है, सबसे पहले ऑरिफाइस देख लेते क्या है, क्योंकि ऑरिफाइस अगर आप समझ जाएंगे तो माउथपीस ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और फाइनली हम बोर्डाज माउथपीस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब एक टैंक है, टैंक के साइड में एक होल होता है, होल होता है यानी कि ओपनिंग होती है, वो सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकती है, चाहे तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब मैं तो यह बना रहा हूं मगर ये साइड में होगा, यहां पर तो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, ओके, या फिर ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, सपोज इसको भी मिटा दिया तो ये हो सकती है रेक्टेंगुलर। ठीक है, मगर आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर मैं एक पेपर पे करके बताऊं, सपोज एक पेपर एक वॉल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने सर्कुलर काट लिया और मैं यहां पे बताऊं, देखिए अब, ठीक है, ये हमारी वॉल है टैंक की, तो टैंक एक्चुअली जो होल सेंटर में दिख रहा है ना इस पेपर पे, ये होल नीचे रहता है, तो ये एक टाइप की ऑरिफाइस क्या होता है, एक टाइप की ओपनिंग होती है जो बॉटम पे होती है या फिर साइड पे होती है। फिलहाल मैंने साइड पे आपको करके बता दिया, ये सर्कुलर ओपनिंग हो सकती है या फिर ट्रायंगुलर ओपनिंग हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर ओपनिंग हो सकती है, कोई भी शेप की जिससे फ्लूइड बाहर आए, ठीक है, ताकि हम फ्लूइड का फ्लो रेट मेजर कर सके। तो ओपनिंग तो आपको समझ में आ गया, तो ऑरिफाइस का एक टाइप की ओपनिंग है जिससे फ्लूइड बाहर आता है। ठीक है, मगर अब हम इसी दिस वन क्या रह गया, हमारा डस्टर कहाँ गया, डस्टर में वहां पे छोड़ करके, वेट फॉर अ मिनट, ओके, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, क्लियर हो गया। अगर मेरे को यहां बोर्ड पे दिखाना हो ऑरिफाइस तो थोड़ा मुश्किल है, मैंने आपको पेपर पे दिखा दिया है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, देखिए समझ गए, तो अगर आप इस बोर्ड पे, मैं इसका साइड व्यू दिखा सकता हूं, वैसे तो मैं यहां पे बता सकता हूं कि टैंक है, यहां पे होल करवा दिया, दिस इज ऑरिफाइस, मगर साइड में दिखाना तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ओके, अब मैं ये बोल रहा था कि माउथपीस पे आ जाते हैं। माउथपीस क्या होती है, एक टाइप की आपकी सिलेंड्रिकल पाइप होती है, छोटी सी सिलेंड्रिकल पाइप होती है जो ज्यादातर आपके टैंक के साइड में लग सकती है या फिर बॉटम में लग सकती है, मगर ये जो माउथपीस का टुकड़ा है ये बाहर लगता है। ठीक है, तो सिंपल माउथपीस इज नथिंग बट अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है, जो लगता है टैंक के बाहर, क्या करने के लिए, इससे भी फ्लूइड बाहर निकलता है, फ्लो रेट मेजर करने के लिए इसे भी यूज किया जाता है। तो माउथपीस और ऑरिफाइस दोनों ये। अब आते हैं बोर्डाज माउथपीस, ओके, अब जब आपका ये माउथपीस बाहर ना लग के अंदर लगता है, ठीक है, यहां पर अंदर, ठीक है, तो अंदर लगने की वजह से इसको बोलते हैं इंटरनल माउथपीस। क्या बोलेंगे, दिस इज इंटरनल माउथपीस, आई होप आपको समझ में आएगा। और अंदर वाले माउथपीस यानी कि टैंक के जब अंदर एक पाइप का टुकड़ा लगता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल पाइप का टुकड़ा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल माउथपीस या फिर बोल सकते हैं बोर्डाज माउथपीस, इसी को बोलते हैं बोर्डाज माउथपीस, या फिर इसका नाम दूसरा भी है री एंट्रेंट माउथपीस। क्लियर हो गया, ये अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, तो कहने का मतलब माउथपीस, जब पाइप माउथपीस एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा जब आपके टैंक के अंदर साइड पे लगता है, इंटरनल साइड पे लगता है, ठीक है, तो दैट इज योर
बोर्डाज माउथपीस ये तो क्लियर हो गया होगा, तो ऑरिफाइस माउथपीस और बोर्डाज माउथपीस क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बोर्डाज माउथपीस या री एंट्रेंट माउथपीस या इंटरनल माउथपीस दो टाइप के आते हैं। पहला आता है रनिंग फ्री, क्या आता है रनिंग फ्री, और दूसरा आता है रनिंग फुल। चलिए तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम थोड़ा और क्लियरली बात कर सकें, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले हम बात करेंगे रनिंग फ्री। दो टाइप के होते हैं बोर्डाज माउथपीस, दिस इज बोर्डाज, पहले यहां पे लिख देता हूं, दिस इज बोर्डाज माउथपीस। अब दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट विल बी द फ्लो रेट थ्रू रनिंग फ्री बोर्डाज माउथपीस एंड व्हाट विल बी द फ्लो रेट थ्रू रनिंग फुल बोर्डाज माउथपीस। तो बोर्डाज माउथपीस रनिंग फ्री, रनिंग फ्री, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होता है, देखिए हमारा जैसा कि मैंने बता दिया कि देखिए ये जो आपका जो माउथपीस है वो इंटरनल लगा हुआ है, इंटरनल लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ओके। अब इसका, अब ये जो ऑरिफाइस है, तो कहने का क्या मतलब था कि ऑरिफाइस को, ऑरिफाइस को एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, उसको अंदर अंदरूनी साइड पे एक सिलेंड्रिकल पाइप लग गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, मैं इसको यहां पे इसका डायमीटर बना देता हूं, सपोज कैपिटल डी है, यहां पर भी इसका कैपिटल डी होगा। ये डी क्या है, डी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द ऑरिफाइस, ऑरिफाइस को अंदर के साइड एक सिलेंड्रिकल पाइप लगी हुई है। हाँ, तो इसको रनिंग फ्री बोर्डाज माउथपीस कब बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं बोर्डाज माउथपीस रनिंग फ्री कब, जब फ्लूइड निकलने वाला है आपके माउथपीस से, जो भी फ्लूइड, देखिए रेड कलर जो है ये स्ट्रीम लाइन से, यानी कि फ्लूइड है, एक जेट निकल रहा है फ्लूइड का, मगर आप देख रहे हैं कि आपके, समझ रहे हैं, माउथपीस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है बजाय इसके फ्लूइड के जेट के क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो कहने का मतलब है मेरा सिंपल कि जो भी जेट निकल रहा है, सपोज पानी का जेट निकल रहा है या फिर कोई भी फ्लूइड का जेट निकल रहा है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है बजाय आपके माउथपीस के क्रॉस सेक्शन से। या फिर सिंपल मैं बोलूंगा कि आपका जो भी फ्लूइड निकल रहा है वो गीला नहीं कर रहा है किसकी साइड्स को, आपकी इस माउथपीस की साइड को जो इंटरनली लगा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा इसे गौर करेंगे, तो एक काम करता हूं, ये डायमीटर मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके, ये है आपका किसका डाया, ये है आपका जेट का डाया। मगर अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे डॉटेड वे में बना रहा हूं, अगर आपका माउथ पीस का डाया देखेंगे तो वो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो साफ साफ ये पता चल जाता है क्या, कि आपका जो जेट निकल रहा है फ्लूइड का, सपोज पानी का जेट निकल रहा है, वो आपकी साइड की सरफेस को गीला नहीं कर रहा। देखिए ये ब्लैक कलर में साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ब्लैक कलर में साफ साफ दिख रहा है, यानी कि जो रेड कलर्स की लाइन है फ्लूइड की या फिर जेट की बोल सकते हैं, वो गीला नहीं कर रही है अंदर की साइड से, या फिर बोल सकते हैं हम कि जो फ्लूइड है जेट का वो आपके माउथ पीस की पेरिफेरी को, यानी कि पैरामीटर को गीला नहीं कर रहा है। जब ऐसा होता है तो दैट इज रनिंग फ्री। मगर ऐसा कब होता है ये देख लीजिए, कहने का मतलब है कि ये जो लंबाई है ना आपकी माउथ पीस की, लेंथ, इस दौरान लेंथ जो होता है वो आपके डायमीटर के बराबर होता है। अब ये डी क्या है, डी इज नथिंग बट योर डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस, यहां पर लिख देता हूं, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस। तो सिंपल है कि आपका माउथ पीस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता है जेट द्वारा, ठीक है। ऐसा कब होता है, यानी कि गीला नहीं होता, ये भी बोल सकते हैं आप, जो लंबाई है मतलब ये जो पैरामीटर है आपके माउथ पीस का वो गीला नहीं होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि जो जेट है, ठीक है, फ्लूइड का जो जेट है वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज कर रहा है बहने के लिए वो छोटा है आपके माउथ पीस के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है, यहां पे बता भी देता हूं रेड कलर से, ये देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इतना गैप रह जाता है बाहर से साइड से, ओके। और वही चीज ये कब पॉसिबल है, जब आपकी ये जो लंबाई है ना आपकी, किसकी ये जो लंबाई है आपके माउथ पीस की इंटरनली, ऐसा रनिंग फुल कब होता है, जब एल जो होगा वो लगभग तीन गुना होगा डायमीटर के, डायमीटर किस क्या है, डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस, यानी कि जो लंबाई है ऑरिफाइस की, ठीक है, वो तीन गुना होगी डायमीटर की, तो तब ये रनिंग फुल होगा। रनिंग फुल मतलब जो भी फ्लूइड जेट का निकल रहा है वो पूरी पेरिफेरी को गीला कर रहा है माउथ पीस के, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे फ्लूइड का जो जेट है उसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पूरा का पूरा वही इस्तेमाल कर रहा है, वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इस्तेमाल कर रहा है जो आपके माउथ पीस का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि यहां पर जो फ्लूइड बहेगा वो गीला करता जाएगा
आपके फेरीफ्री को, फेरीफ्री किसकी, माउथपीस की फेरीफ्री को, समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है ये जो पानी है, सपोज इसमें पानी है जिसका हाइट जो है कैपिटल एच है आपके एंट्रेंस माउथपीस के एंट्रेंस से, ठीक है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ माउथपीस, ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि जो फ्लूइड है वो आपके पूरी इंटरनल सरफेस को गीला करता जा रहा है और वो वही क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करेगा जो आपका फ्लूइड का जो जेट है वो वाला क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसके बराबर होगा, किसके बराबर, माउथ पीस के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर, तो यानी कि आराम से वो गीला करेगा। तो इसमें गीला नहीं होता, इसमें गीला होता है, मगर एंट्रेंस के टाइम पे यहां पे कुछ हेड लॉस हो जाता है, वो भी एक्सपेंशन की वजह से। देखिए, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे सेक्शन कम है, जैसे वो एंटर करता और सडनली एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, दिस इज यहां पे एंट्रेंस पे आपका लॉस ऑफ हेड गिना जाएगा। लॉस ऑफ हेड कौन सा, हेड लॉस गिना जाएगा, कहने का मतलब है हेड लॉस कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा जब भी आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया? तो यहां पे हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन काम में आएगा। तो ये है हमारी, ये और ऐसा तभी है जब लेंथ जो होगी माउथपीस की तीन गुना होगी डायमीटर की, और यहां पर जब जितनी लेंथ है उतने डायमीटर होगा, तो दैट मीन्स वहां पे गीला आपका माउथपीस, सिंपली इतना बोल सकते हैं कि रनिंग फ्री की कंडीशन तब आती है जब आपका माउथपीस अंदर की साइड से गीला नहीं होता, मगर जो डिक्टेटिंग कंडीशन है, जो फैक्टर्स हैं, L इक्वल टू D होगा, L इक्वल टू 3D में क्या होगा, माउथपीस इंटरनली गीला हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोर्डाज माउथपीस क्या होता है। ये एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल पाइप होती है, कभी ये लेंथ डायमीटर के बराबर हो जाती है, कभी ये आपकी लेंथ जो है तीन गुना हो जाती है डायमीटर के। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक में ये पूरी इंटरनल सर्फेस गीली हो जाती है, एक में इंटरनल सर्फेस गीली मीन्स गीली हो जाती है तो रनिंग फ्यूल है, रनिंग फ्री है तो दैट मीन्स गिली नहीं हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।